जय हिंद, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्टिंगर मिसाइल पर है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच स्टिंगर मिसाइल का नाम आप सब ने सुना ही होगा, तो हम देखेंगे कि स्टिंगर मिसाइल क्या है और क्या है स्टिंगर मिसाइल की खासियत, जिससे यूक्रेन ने रूस की हालत ख़राब कर रखी है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के सैनिक जान लगाकर लड़ रहे हैं, ऐसे में उनके पास एक हथियार है जिससे रूस की हालत ख़राब हो रखी है। वो हथियार है अमेरिका निर्मित स्टिंगर मिसाइल। अभी हाल ही में जर्मनी और नीदरलैंड्स ने भी कहा है कि वह यूक्रेन को एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार देने को तैयार हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये स्टिंगर मिसाइल है क्या। स्टिंगर मिसाइल एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे शॉर्ट में मैन पैट्स भी कहा जाता है। यह इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि सैम है। इससे आप हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, टैंक या किसी भी बख्तर बंदवान को उड़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्टिंगर मिसाइल की क्या है खासियत। स्टिंगर मिसाइल दुनिया की सबसे छोटी और हल्की मिसाइलों में से एक है। इसे कहीं से भी उठाकर लॉन्च किया जा सकता है। इसका जो बेसिक स्टिंगर यानी FIM-92 स्टिंगर है, वह 15.19 किलोग्राम वजनी होता है, जिसमें मिसाइल का वजन 10.1 किलोग्राम होता है, यानी लॉन्चर तो सिर्फ 5 किलो का ही होता है। इसकी लंबाई 1.52 मीटर होती है। बैरल का व्यास 2.76 इंच होता है। इसे कोई भी एक इंसान अपने कंधे पर रख कर चला सकता है। इसकी मिसाइल की नोक पर 1 किलोग्राम वजनी पारंपरिक हथियार लगा होता है। स्टिंगर मिसाइल का RMP वर्जन दुनिया की सबसे सटीक मैनपैड्स हथियार है। इसकी सफलता का दर 90% से ज़्यादा है। मिसाइल सुपरसोनिक गति से टारगेट पर हमला करती है। इसका नियंत्रण सिस्टम इसे क्रूज मिसाइल से ज़्यादा सटीक और मारक बना देता है। यह किसी भी तरह के तेज फाइटर जेट को मार गिरा सकता है, यहाँ तक कि टैंक को भी ध्वस्त कर सकता है। स्टिंगर मिसाइल का उपयोग कारगिल वॉर, अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर, सीरिया वॉर, खाड़ी वॉर, श्रीलंकन सिविल वॉर, फॉक्सलैंड वॉर, लीबियन युद्ध, यूगोस्लाव वॉर, चेचन वॉर और अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर में इसका उपयोग हो रहा है। स्टिंगर मिसाइल को कंधे पर रख कर दागा जा सकता है, जिसे मैन पैड्स कहते हैं। इसके अलावा टैंक पर लगाकर भी इसे दागा जा सकता है। इसे M6 लाइन बैकर कहते हैं। इसे मल्टी मिशन लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसे यूरोकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन से लगाकर भी दुश्मन पर टारगेट किया जा सकता है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत अपने AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर में स्टिंगर मिसाइल लगाएगा। इसके अलावा भारत ने 812 AGM-114 AL-3 हेलफायर लॉन्ग बो मिसाइल और 542 AGM-114R3 हेलफायर 2 मिसाइल के भी अमेरिका से डील की है। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी आतंकियों के पास भी करीब 100 अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल है। यह अनुमान अमेरिका खुफिया एजेंसियों का है। हालांकि आमतौर पर तालिबानी आतंकी मैन पैड्स की जगह RPG का उपयोग करते हैं या फिर वो लैंडस्माइन का उपयोग करते हैं। स्टिंगर मिसाइल को अमेरिका के जनरल डायनेमिक्स नाम की कंपनी ने 1976 में डिजाइन किया था, लेकिन इसका उत्पादन रेथियोन मिसाइल सिस्टम ने 1978 से शुरू किया। तब से लेकर इसका निर्माण हो रहा है। इस समय इस मिसाइल सिस्टम को 29 से ज़्यादा देशों में उपयोग किया जा रहा है। अब दुनिया भर में स्टिंगर मिसाइलों का रिप्लेसमेंट खोजा जा रहा है। कई देशों ने तो अपने वेरिएंट बना लिए हैं, जैसे जापान का Type-91, तुर्की का पोरसावर, ब्रिटेन का स्टार स्ट्रिक, चीन का QW-1 वानगार्ड, इराक का MISAG-2, रूस ने 9K-333 वर्बा बनाई है, लेकिन ये सभी अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल से प्रेरित है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो स्टिंगर मिसाइल्स पर। तो हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।